हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम टीथ बनाना सीखेंगे और उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने अपने आर्टवर्क दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा आर्टवर्क ख़राब हो गया है सिर्फ टीथ की वजह से। अच्छे से टीथ नहीं बन पाया उनका, इसलिए पूरा आर्टवर्क ख़राब हो गया है। तो इसको कैसे सही करना है मैं आप लोगों को वो बताऊँगा। सो गाइज, अगर आप सेपरेटली अपने माउथ को बना रहे हैं तो मैं कहूँगा उसको प्रोपोर्शनल के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा, आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फेस किस तरीके से बना हुआ है, पूरी स्माइल किस तरीके से बनी हुई है। तो मैं वहाँ पर पहले कॉर्नर्स पर निशान लगा लिया हूँ, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया हूँ। और टीथ बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है आउटलाइन। किसी भी आर्टवर्क में आउटलाइन ज़रूरी होती है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक जो होगी वो अपने पूरे आर्टवर्क को ख़राब कर देगी, बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब करेगी। सो गाइस, जब भी आप टीथ बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप कॉर्नर्स पहले देख लो, वहाँ पर थोड़े निशान लगा लो, उसके बाद बल्क में पूरी की पूरी फ्रेम को आउटलाइन कर लेंगे, जिस तरीके से यहाँ मैं कर रहा हूँ, पूरा आउटलाइन बना ले रहा हूँ। उसके बाद सेम आपको उसी तरीके से आपके गम्स के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, आपको एकदम अच्छे से उसका फ्रेमवर्क कर लेना है। देन उसके बाद जो भी टीथ होते हैं उनके जो अपर पार्ट में गम्स में किस तरीके से कट्स बने होते हैं उसको अच्छे से आप बनाने की कोशिश कीजिए। उनकी डायरेक्शन, छोटी सी भी डायरेक्शन, किस तरीके से आपका डायरेक्शन है उसको अच्छे से बनाइए। काफ़ी ज़्यादा लाइट वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा अगर गड़बड़ी होती है तो आप लाइट वर्क करेंगे तुरंत इरेज करके अच्छे से फिर से सही कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप जो मेरी गलतियाँ हुई उसको मैं फिर से इरेज करके बना दे रहा हूँ। देन सेम रेशियो में आपको लोअर पार्ट में भी कट्स लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि बीच में कुछ भी वर्क नहीं करना, आपको बस लाइटली स्लाइटली अगर पेंसिल चला सकते हैं तो आप बीच में चलाएंगे, वरना आपको जैसे ऊपर कट लगाते चले गए थे, सेप बनाते चले गए, उसी तरीके से आपको नीचे भी सेप बनाते चले जाना है। आप देख सकते हैं अभी से ही थोड़ा तीट की तरह अच्छे से दिख रहा है हमारा टीथ। सो गाइज, हमारी आउटलाइन लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो भी जहाँ पर ज़्यादा पेंसिल चल गई थी उसको मैं इरेज कर दूँगा, प्रोपोर्शन वगैरह सब कुछ मुझे इरेज कर देना है। देन उसके बाद हम शेडिंग के लिए वर्क प्रोसीड करेंगे। सो गाइस, जो भी अब तक की हमारी गड़बड़ियाँ थी उनको मैं अब सही कर दे रहा हूँ, एकदम परफेक्टली बना दे रहा हूँ किस तरीके से सारे सेफ होंगे। देख सकते हैं आप, मैं दोनों तरफ से मैं साइड से सही कर दे रहा हूँ, जो भी बाहर निकले हुए थे, जो भी पोर्शन ज़्यादा बाहर लग रहा था उन सबको मैं सही कर दिया हूँ। अब इसके बाद हमें पूरा शेडिंग ही करना है, तो मैं पहले मैकेनिकल पेंसिल से सबको सेट कर दूँगा। और उसके साथ गम्स में क्या होता है कि जहाँ पर टीथ होते हैं साइड साइड में, जहाँ पर कॉर्नर पर थोड़े से बचा हुआ होता है, गम लटका हुआ होता है, वहाँ पर डार्क होता है, और जहाँ पर टीथ के ऊपर से गया होता है वहाँ पर लाइट होता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर शेडिंग कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डार्क होना चाहिए वहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ पर लाइट होना चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है, इन सब छोटी छोटी ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं सब की वजह से आपका जो स्केच होता है अच्छा बनता है और रियलिस्टिक लुक आता है। और आप लोग यही सब चीज़ें, छोटी सी चीज़ें भी छोड़ देते हैं, डायरेक्टली ब्लेंडिंग का अप्लाई करके अच्छे से तुरंत ब्लेंडिंग कर देते हैं, सोचते हैं अच्छा दिखने लगेगा, बट वो अच्छा दिखता नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा बेस लेयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी डार्क एरिया हैं उनको अच्छे से मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी एजेस हैं उनको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि साफ पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से टीथ में हमें छोटे छोटे कॉर्नर्स पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीकियों से मुझे काम करना पड़ रहा है, ऐसे ही काम करना पड़ता है। मैं ऐसा छोटा जो टीथ बना रहा हूँ, जो भी माउथ पार्ट बना रहा हूँ, ऐसे छोटा मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको छोटे पार्ट में ज़्यादा मुश्किल होती है। बड़े तो कोई भी बना लेता है यार, सारी डिटेलिंग्स दिख जाती हैं, बड़ा तो कोई भी बना लेगा। अब ये A4 पेज में आपको पूरा टीथ ही बनाना होता है यार, 2-2 सेंटीमीटर के टीथ ही हो जाएंगे तो क्या ही मतलब है बनाने का। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही छोटी ले आऊँ, बहुत ही छोटी साइज़ का बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं अगर 2 बार पेंसिल साफ कर दो तो पूरे उसकी लेंथ हो जा रही है। तो इसलिए मैं जितना छोटा हो सकता था मैं उतना छोटा होकर बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रियलिस्टिक लुक लाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही प्रोसीड करनी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बीच में आपको पेंसिल नहीं चलानी, अगर आपके पास ब्रश है या फिर ब्लेंडिंग स्टंप है थोड़ा सा आप चला लेंगे, उसके बाद इरेजर से इरेज कर देंगे, जिससे थोड़ा सा हल्का शैडो आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे। देन जहाँ पर एक्स्ट्रा डार्क एरिया थे वहाँ पर मैं डायरेक्टली 8B का यूज़ कर रहा हूँ। सारे एक्स्ट्रा डार्क एरिया को मैं अच्छे से डार्क कर दूंगा 8B यूज़ करके। और यहाँ पर मैं ज़्यादा पेंसिल का भी यूज़ नहीं किया हूँ शेडिंग के लिए। स्टार्टिंग में मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया, उसके बाद 4B, और देन एक्स्ट्रा डार्क के लिए डायरेक्टली 8B का यूज़ किया हूँ। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऐसे वर्क करते हैं छोटी चीज़ों पे, वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली में लोगों को लगता है कि बड़ी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत लगती है, बट वो आपकी स्किल की ज़रूरत नहीं होती बड़ी चीज़ों में, आपको छोटी चीज़ों में ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको छोटी छोटी डिटेलिंग्स ध्यान दे के काफ़ी अच्छे से ड्रा करना होता है। बड़ी चीज़ों में तो यार एक बार सेप बना लिया, उसके बाद डिटेल भरना है, भर ही दोगे किसी भी तरीके से।
तो आपको छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस करना आना चाहिए, इसलिए आपके टीथ जो है बड़े जब पिक्चर्स बनाते हैं वो बन जाते हैं। अभी सेपरेटली आप कोशिश कर लीजिएगा, खुद भी देख लीजिएगा, जब आप ए फोर साइज़ में पूरा माउथ बनाएंगे तो बन जाएगा आपका, अच्छे से बनेगा। और जब आप वही पूरे फेस का बना के ए फोर ही साइज़ में पूरा फेस भी बनाएंगे, सब कुछ कंप्लीट माउथ भी बनाएंगे, तो आपका जो स्माइल होगी अच्छी नहीं बनेगी। सो गाइज, आप जब भी ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो आप इस चीज़ को भी देखते रहें कि भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और किस तरीके से हो रही है, और ट्यूटर जो बता रहा है वो कैसे बना रहा है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर लिप्स बनाने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, अच्छे से शेडिंग कर देना, देख सकते हैं आप। मैं जो भी शेडिंग भी करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत न रहे। और बिगनर्स ये भी दिक्कत करते हैं जब इन सब चीज़ों को बनाते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि ब्लेंडिंग से ही सारी स्मूथनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पहले से ही शेडिंग के लिए भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। देन 4B का यूज़ करके मैं ब्लेंड कर दिया हूँ। उसके बाद जो लाइट एरियाज़ थे वहाँ पर मैं अच्छे से देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इरेज करके मैं लाइट को बढ़ा दे रहा हूँ, किस तरीके से रियलिस्टिक लुक इसी से सबसे आता है। जो लाइट्स इफेक्ट होते हैं, कहाँ पर रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, कहाँ पर शाइनिंग बढ़ रही है, उसी सब का मैं ध्यान रखते हुए, एकदम बारीकियों का ध्यान रखते हुए अच्छे से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरीके से जैसे अपर पार्ट को बनाया वैसे ही सेम लोअर पार्ट को भी बनाना है। तो उसी तरीके से मैं मैकेनिकल पेंसिल से यहाँ पर फिर से शेडिंग कर दे रहा हूँ, और वैसे ही सेम प्रोसीजर के साथ फिर से मैं ब्लेंडिंग भी कर दूंगा। और 3D जब आप रियलिस्टिक कोई चीज़ बनाते हैं उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे लिप्स ही ले लेते हैं तो इसमें बॉर्डर्स नहीं होते। आप सोचें बॉर्डर होंगे वहाँ पे हाइलाइट्स कर देंगे, जो आउटलाइन होंगी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट कर देंगे, वैसा नहीं होता। अगर वैसा हाईलाइट करेंगे आपका 2D दिखने लगेगा, आपका अच्छे से बनेगा नहीं कभी। तो इसलिए जो लाइट्स इफेक्ट होते हैं, जो शैडो होते हैं, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको अच्छे से बनाना होता है। यहाँ देख सकते हैं मैंने कोई भी लाइन नहीं बनाई है, आउटलाइन कोई भी अच्छे से डार्क करके नहीं बनाई कि भाई एक एक लाइन अच्छे से बना दूं। यहाँ पर मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से शैडो से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक एक चीज़ें आप देख सकते हैं, हाइलाइट्स भी अच्छे से मैं इरेजर पेंसिल का यूज़ करके कर दे रहा हूँ, और जो भी नीचे है वहाँ पर उतनी डार्कनेस थी इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कर दिया हूँ, बट कोई भी लाइन यूज़ नहीं किया हूँ। देन उसके बाद थोड़ा और 3D लुक लाने के लिए मैं शैडो अच्छे से नीचे बना दे रहा हूँ। देन उसके बाद आप जब भी लिप्स को बनाते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उसके अच्छे प्रॉपर ग्लो के लिए जो आसपास की शेडिंग है उसको भी अच्छे से आप बनाएंगे। जब आप सेपरेटली वर्क करते हैं तो उसके जो शेडिंग होती है अच्छे से उसको अगर नहीं करेंगे तो आपका लिप जो होगा वो अच्छे से रियलिस्टिक लुक उसमें नहीं आएगा, अच्छे से दिखेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं इसको जो भी बेसिक से थोड़ी शेडिंग थी उसको मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्लो आ गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम रियलिस्टिक लुक आ गया है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मतलब आप देख सकते हैं कि मेरे इरेजर से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैंने इसको बनाने की कोशिश किया जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। सो गाइस, जितना ज़्यादा सिंपल मैं बता सकता था मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।